अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण अक्षय कुमार की गोल की हीरोइन मोनी रॉय को निकाल दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगली फिल्म बोले चूड़िया से। प्रोड्यूसर ने किया इस बात को कंफर्म और सभी हैं मोनी के इस बिहेवियर से अपसेट। जानवी कपूर और ईशान खट्टर को एक साथ में डिनर डेट पर किया गया स्पॉट। मीडिया के लिए साथ में पोस्ट करने के लिए दोनों ने कर दिया मना। कभी कभार तो मिलते आप बैंड्रा में भाई। कभी कभार कहाँ मिलते हैं? बैंड्रा में मिलते हो। कभी कभार आप बैंड्रा में मिलते थैंक यू। कटरीना कैफ ने खुलकर की बात अपने एक्सेस सलमान खान और रणवीर कपूर के साथ के अपने रिश्ते के बारे में। उन्होंने ये कहा कि गलतियां होती है इंसानों से, लेकिन रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा के मेगन मार्कल के बेबी से मिलने की खबरें हुई थी वायरल। इस बात को झूठा बताया खुद प्रियंका ने और इसे लगता है कि इनके बीच अभी भी है खटास। सलमान ने कहा कि कटरीना नहीं है उनके लिए लकी चाम। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर कटरीना लकी होती तो उनकी फिल्म युवराज बड़े पर्दे पर फ्लॉप नहीं होती। बोनी कपूर ने किए 12 केजी स्लूज और इसी बात से हुई जानवी कपूर खुश। इस प्राउड मोमेंट को बेटी जानवी ने इंस्टाग्राम पर किया शेयर और लिखा, पापा लॉस्ट 12 केजी, स्लिम ट्रिम एंड हेल्दी, सो प्राउड #finally। अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक स्पेशल वीडियो बनाया पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को ट्रिब्यूट देने के लिए। इस वीडियो के लिए 14 एक्टर्स ने शूट किया है और इस वीडियो का टाइटल है तू देश मेरा। विवेक ओबेरॉय ने गलती से किया सलमान खान की फिल्म भारत को प्रमोट। ट्विटर पर #भारत लिखकर एक ट्वीट किया विवेक ने और तुरंत ही उसे डिलीट कर नया ट्वीट डाला जिसमें # यूज नहीं किया। करीना कपूर खान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां उन्होंने अपने एक्स शाहिद कपूर के साथ के कुछ सुहाने पल को याद किया। करीना ने कहा था कि वो शाहिद के साथ मूवीज देखती थी और बहुत टाइम स्पेंड करती थी। कटरीना कैफ को एक बात बहुत सताती है और वो है जानवी कपूर के जिम शॉर्ट्स। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जानवी को जिम में छोटे शॉर्ट्स पहनते हुए देखकर उन्हें टेंशन होती है। इसके पीछे की वजह तो नहीं बताया कटरीना ने।